आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ रोज़ प्लांट केयर एंड फर्टिलाइज़र के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। फ्रेंड्स देखिए, ये जो टाइम है फेब, मार्च और अप्रैल, ये तीन महीने का जो टाइम है, तो अब ये रोज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन ग्रोइंग सीज़न टाइम है। इस टाइम में आप रोज़ ज़रूर परचेज़ करिए, और आपके जो काफ़ी टाइम से गमलों में लगे हुए गुलाब हैं, तो अगर उनमें रूट बाउंड हो गया है आपका प्लांट, मतलब उनकी जड़ें गमलों से बाहर निकल रही, तो आप ये टाइम है कि आप उनकी रिपॉटिंग कर सकते हैं गमलों से। और अगर जैसे उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा भर गई हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है, आप उनकी रूट प्रूनिंग भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक अपने गुलाब की कटाई छटाई नहीं की है, तो आप ये जो टाइम है परफेक्ट टाइम है, इस टाइम में आप अपने गुलाब की कटाई छटाई कर सकते हैं, चाहे हार्ड प्रूनिंग हो या सॉफ्ट प्रूनिंग हो। सॉफ्ट प्रूनिंग क्या होती है फ्रेंड्स? सॉफ्ट प्रूनिंग वो होती है जो हम लोग हर एक प्लांट की टिप पे से थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो इंच तक कट कर देते हैं, उसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। और हार्ड प्रूनिंग क्या होती है? जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज अपने गुलाब की कट करते हैं, तो वो हार्ड प्रून होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला मेरा जो रोज़ है, ये देसी ही गुलाब है। आप देखिए इसका कलर कितना प्यारा कलर है इसका। और ये मैं 20 रुपये का नर्सरी से परचेज़ करके लाई थी, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और खूब सारी कलियाँ इसमें बन रही हैं। तो जो है, जैसे आपके किसी भी पॉट में प्लांट आपका बहुत लंबा हो गया है, लेकिन उसमें कोई फूल नहीं आ रहे, कोई भी कली नहीं आ रही है, तो इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आपका जो प्लांट है वो ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट हो गया है। ब्लाइंड शूट्स क्या होती हैं? ब्लाइंड शूट्स वो होती हैं जैसे कोई ब्रांच आपकी काफ़ी लंबे टाइम से लंबी तो हो रही है, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई भी फ्लावर नहीं आ रहा है, कली नहीं बन रही, तो उसे डेड शूट या फिर ब्लाइंड शूट आप कह सकते हैं। मैं जो काम करने वाली हूँ अपने रोज़ प्लांट के साथ, वो अभी आपको पूरा शेयर करती हूँ। देखिए मेरे प्लांट कितना हेल्दी वे में ग्रो कर रहे हैं और कितनी सारी इसके ऊपर कली बनी हुई। तो सबसे पहला काम, आप कटाई छटाई कर लीजिए अच्छे से अपने प्लांट की, प्रूनिंग वगैरह जो भी। मैं भी, ये प्लांट आप देख रहे हैं मेरा कितना बुशी, इसमें कितनी ज़्यादा बीच बीच में बहुत सारी पतली पतली ब्रांचेज हैं, अभी मैं उन सबको भी कट करती हूँ। तो सबसे पहली जो मेन एक चीज़ होती है रोज़ प्लांट के लिए, वो होती है सनलाइट। अगर आप अपने प्लांट को अच्छी सनलाइट नहीं दे रहे हैं, तो आपके प्लांट में आप कितना ही खाद डाल दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, प्लांट में कलियां नहीं आएंगी, फूल नहीं खिलेगा, और अगर एक दो फूल खिल भी गया तो वो बहुत छोटे साइज़ का। इसलिए धूप बहुत ज़रूरी है। मैं आज जो भी काम करने वाली हूँ अपने गुलाब के साथ, तो उसके लिए देखिए आपकी मिट्टी का कुछ इस तरह से सूखना ज़रूरी है। मैंने अपने गुलाब में 24 घंटे पहले पानी देना बंद कर दिया था, मेरी मिट्टी थोड़ा सूखी हुई है। तो इस तरीके से देखिए, मैं हर एक ब्रांच की अच्छे से कटिंग कर दूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने प्लांट की कटिंग करते हैं, उतना हेल्दी उतना बुशी आपका प्लांट होता है। बाय मिस्टेक देखिए, इसमें एक फ्लावर खिला हुआ था और मिस्टेक से ये वाली ब्रांच मुझसे कट गई, जो कि आप देख रहे हैं कितना हेल्दी प्लांट है, ये ब्रांच थी और इसमें कितना बड़ा सा ये फूल खिला था, जो कि अभी बिल्कुल स्पेंट नहीं हुआ, लेकिन ये जल्दबाजी में मुझसे ये वाली ब्रांच फ्लावर मेरा कट गया। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, जितनी भी नीचे नीचे से बहुत पतली पतली ब्रांच है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके प्लांट को मिट्टी, जहाँ से उसकी मेन जड़ है वहाँ से, तो उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम बुशी हो गया झाड़ के तरह, जहाँ अच्छी सनलाइट वगैरह नहीं, एयर पास नहीं, तो मैं सबसे पहले मेरे प्लांट में जितनी भी पतली पतली ब्रांचेज हैं जो हेल्दी नहीं हैं, उन सबको मैं अपने प्लांट से कट करके हटा देती हूँ। एक चीज़ और आप देखिए कि जो भी लीव्स वगैरह आपके गमलों में गिर रही हो, तो आप उनको ज़रूर हटा दीजिए, क्योंकि फिर वो पानी पड़ेगा, धीरे धीरे सड़ेगी गलेगी, तो साथ के साथ वो
फंगस उसमें क्रिएट होगा जो कि आपके अच्छे प्लांट को, आपके पूरे प्लांट में वो फंगस फैल जाता है और प्लांट ख़राब होने लगता है। तो जो भी इसकी देखिए इस तरह से ब्रांचेज है इनको कट कर देना है। अब टाइम चेंज हो रहा है तो वाटरिंग का आपको ख़ास ख्याल रखना है। मिट्टी गमले की आपको किसी भी टाइम एकदम सूखी नहीं छोड़ना। अगर आपने गमले की मिट्टी किसी भी टाइम आपकी हद से ज़्यादा सूख गई तो जो फूल खिलेगा वो थोड़ा छोटा खिलेगा और जल्दी मुरझा जाएगा। तो एक मॉइस्चर आपको अपनी मिट्टी में बना के रखना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 24 घंटे पहले से पानी नहीं दिया तो मेरी मिट्टी कुछ इस तरह से सूखी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ वर्क करना था इसलिए मैंने पानी रोका। जो भी काम मैं आपको बता रही हूँ ये काम अगर आप कर रहे हैं तो आपकी मिट्टी भी इस तरह से सूखी होनी चाहिए, एकदम सौगी नहीं होनी चाहिए, गिचिर पिचिर वाली मिट्टी नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ये पूरी मिट्टी बाहर निकाल लेती उसके बाद खाद देती, लेकिन मेरे हाथ में कुछ प्रॉब्लम है, वो चोट वगैरह लग गई थी तो मुझे डस्ट वगैरह ना जाए इसलिए मैं मिट्टी साइड ही कर दे रही हूँ, उनको बाहर नहीं निकाल रही हूँ। पहली खाद जो मैं डालने वाली हूँ ये देखिए, ये है फुली रिकम्पोस्ट काउडंग है, सॉरी ये वर्मी कंपोस्ट है। आप इसकी जगह काउडंग है या लीफ कंपोस्ट है कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुलाब आपका एक हैवी फीडर प्लांट होता है। जब आप मिट्टी बाहर निकाल लेते हैं तो आपसे प्रॉपर खाद डालते बनता है, वरना वैसे क्या है आप उसी में हटाइए और डालिए। तो इसलिए आप मिट्टी 3 से 4 इंच तक मिट्टी निकाल लीजिएगा, उसके बाद खाद दीजिएगा। मेरी मजबूरी इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ। उसके अलावा देखिए मैं इसी में सारी खाद मिक्स कर ले रही हूँ। ये है यूज्ड टी लीफ यानी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती है, जो कि मैं 1.5 चम्मच तक अंदाज से मैंने ले लिया है। इसमें अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेंगे, ये आपकी मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। आपके रोज़ प्लांट को बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल पसंद होती है इसलिए ये ज़रूरी है। महीने में एक बार तो आप अपने प्लांट में ज़रूर फीड करिए। इसके बाद जो है ये देखिए, ये है पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र जो कि है बोन मील। इसमें बहुत हैवी क्वान्टिटी में फॉस्फोरस पाया जाता है, स्पेशली आपके बोन मील में। तो ये आपके प्लांट की जड़ों को मजबूत करता है, हेल्दी रूट्स आती हैं और आपकी प्लांट की जब जड़ें मजबूत होंगी तो ऊपर का प्लांट भी आपका बहुत अच्छा मजबूत बनेगा। तो ये तीनों खाद को देखिए इस तरह से मिक्स कर लीजिए आप। मिक्स करके तब आप अपने प्लांट को देंगे तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये अंदाज से 3 मुट्ठी तक होगी वर्मी कंपोस्ट, और तो बाकी मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या डालना है। इसके बाद देखिए साइड साइड की ये मिट्टी जो है इनको थोड़ा थोड़ा आपको इतना खोल लेना है कि इनकी जो जड़ें हैं वो विजिबल हो जाएं। अब देखिए यही काम अगर आप पूरी मिट्टी बाहर मतलब 3-4 इंच तक खाली करके करते तो एक बार में आप खाद आसानी से डाल देते, लेकिन जब आप उसी में करते हैं तो बार बार आपको मिट्टी हटाना पड़ता है और फिर बराबर करना पड़ता है। खाद हमेशा मिट्टी के नीचे दबा के ही दी जाती, क्योंकि ऊपर खाद देने से कोई फ़र्क नहीं होता, वो सूख जाती है और प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनको ईजिली एब्जॉर्ब नहीं करने पाती, इसलिए मिट्टी के अंदर। मैं देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ये स्टिक बहुत ज़्यादा लगी है, ये सारी स्टिक को भी निकाल दूंगी भी और पूरे प्लांट को अच्छे से एक शेप दे के फिर मैं इसमें सपोर्ट लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने खाद दे दी। अब एक जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, इस टाइम आप अपने प्लांट को दिन भर में एक बार प्लेन वाटर से, अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है, वो ज़रूर करिए। देखिए इस तरह की ख़राब पत्तियों को बिल्कुल आपको मिट्टी में पड़ा नहीं छोड़ना है, वरना वो उससे क्या होगा कि आपके प्लांट में जब वो सड़े गलेंगी तो फंगस क्रिएट करेंगी, इसलिए इस तरह की ख़राब मिट्टी को निकाल लेना है। जब भी आप खाद देते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा कैमरे की लाइट ऑफ हो गई इसलिए देखिए ब्लैक आ रहा है। जब भी खाद देते हैं तो उसके बाद वाटरिंग मस्ट होती है, अच्छे से आप मिट्टी में पानी दीजिए। देखिए मेरा प्लांट जो कितना बुशी, कोई शेप नहीं था, मैंने देखिए सारी इनकी जो पतली ब्रांचेस थी इस तरह से, इन सब को मैंने कट कर दिया। जब भी कट कर रहे हैं आप तो 3 पत्ती छोड़ के कट करिएगा तो वहाँ से हेल्दी ब्रांच आती है। अब खाद डालने के बाद देखिए वाटरिंग ज़रूरी होता है, पानी दे दिया मैंने। एक चीज़ अब देखिए प्लांट कितना हेल्दी समझ आ रहा है और पूरा प्लांट अच्छे से एयर भी पास होगी। मैं जो
बता रही थी वो ये बता रही थी कि आप दिन भर में एक बार प्लांट को सादे पानी से शावरिंग ज़रूर करिए। प्लांट की स्टेम में एक मॉइस्चर बना रहना चाहिए, लेकिन ये काम आपको मॉर्निंग में करना है, शाम में धूप जाने के बाद नहीं। और उनके फूलों पर पानी का स्प्रे मत करिए। धूप जाने के बाद अगर आप ये काम करेंगे तो रात में प्लांट आपकी पत्तियाँ गीली रहेंगी और गीली पत्तियों में जब नहीं सूख पाएगी तो फंगस लग जाएगा। इसलिए ये काम आप एक बार सुबह में ज़रूर करिए। इससे नई नई ब्रांच आएगी और हर एक ब्रांच पे आपको 3 से 4 कलियाँ एक साथ बनी हुई दिखेंगी, तो और प्लांट ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट नहीं होने पाएगी उसकी ब्रांच। तो बस एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।